अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इननेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे। इम्यून सिस्टम के थ्री लेवल ऑफ डिफेंसेज हैं या थ्री लाइन ऑफ डिफेंसेज हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसका मतलब ये है कि पैथोजेंस जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं उन्हें तीन किस्म की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट जो रुकावट है उनके रास्ते में, जो पहली रुकावट है उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो सेकंड टाइप की रुकावट है या रेजिस्टेंस है उसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड जो थर्ड नंबर पर आती है रेजिस्टेंस उसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल से देखेंगे, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे काम करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स, ये सारा डिटेल से देखेंगे। याद रखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स आ जाते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब ये है कि ये ऐसे सरफेस बैरियर्स होते हैं जो कि पैथोजन को एंट्री ही नहीं देते बॉडी के अंदर, यानी ये प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं, दीवारें से होती हैं जो कि एंट्री नहीं देती पैथोजेंस को। सो पैथोजन एंट्री ही नहीं होगा तो इन्फेक्शन कैसे काज करेगा। सो इसका मतलब है ये फिजिकल बैरियर हैं। और याद रखिए फिजिकल और केमिकल बैरियर जितने भी हैं ये इननेट इम्यूनिटी का हिस्सा हैं। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेज में सारे इननेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सो फिजिकल बैरियर प्रोटेक्शन देते हैं, एंट्री नहीं देते। फिर केमिकल बैरियर्स आ जाते हैं जो कि कुछ सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं या पैथोजेंस को सर्वाइव करने में मुश्किलात होती हैं उन केमिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से पैथोजेंस जो हैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते या मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। सो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आइए देखते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का वो है स्किन। ये जो हमारी चमड़ी है स्किन, स्किन क्या है, एक प्रोटेक्टिव वॉल है, एक बाउंड्री है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, आप देख पा रहे हैं फैली हुई है ये स्किन। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट द पैथोजन, और ये पेनिट्रेट नहीं होने देती पैथोजेंस को, यानी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को एंटर नहीं होने देती ये स्किन। यानी इसके जो सेल्स हैं ये इतने आपस में जुड़े होते हैं टाइटली कि पैथोजेंस इन सेल्स से इंटर नहीं हो पाते बॉडी के अंदर। सो पैथोजेन को रास्ता चाहिए होता है एंट्री के लिए बॉडी के अंदर। सो अगर हमें हमारी स्किन में कोई कट लगता है तो पैथोजेन को रास्ता मिल सकता है एंट्री का, अदरवाइज पैथोजेन इंटर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते आइए देखते हैं। ये स्किन क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने दिखाया आपको, स्किन की जो आउटर मोस्ट सरफेस लेयर है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस मीन अबव या ऑन द टॉप या आउटर मोस्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। सो ये इसके नीचे वाली जो लेयर है उसे डर्मिस कहा जाता है, एंड देन द लास्ट लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। सो डर्मिस की ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस की नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस। सो ये ऊपर वाली स्किन की जो ऊपर वाली सरफेस लेयर है इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। इसकी खसूसियत यह है कि एपिडर्मिस एपिथिलियल सेल से मिलकर बनी होती है। सो एपिडर्मिस के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, एपिथिलियल सेल्स। एपिथिलियल सेल्स की क्या खसूसियत होती है कि ये बड़े टाइटली अरेंज होते हैं, बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, और ये रास्ता नहीं देते, पैसेज नहीं देते पैथोजेंस को स्किन से बॉडी के अंदर एंटर होने का। सो एपिडर्मिस की जो लेयर है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द पैथोजेंस। इसके अलावा एपिडर्मिस का एक और रोल भी है कि ये एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली शेड हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, नीचे से नए सेल्स बनते हैं ऊपर वाले गिरते हैं। सो यहाँ पर अगर पैथोजेंस बैठे हैं तो जब ये सेल्स गिर जाते हैं डेड होकर, तो इन सेल्स के साथ पैथोजन जो अटैच हैं वो भी गिर जाते हैं और नीचे नए सेल्स आ जाते हैं। सो ये दो टाइप के फंक्शन है, एक तो ये प्रोटेक्शन देते हैं एंट्री नहीं देते, और साथ साथ जो पैथोजन ऊपर अटैच हैं उन्हें अपने साथ जब ये सेल डेड होकर गिरते हैं तो वो पैथोजेंस भी साथ में शेड हो जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर उसे डर्मिस कहा जाता है, ये ज़रा सा थिक लेयर होती है, और ये कोलेगन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, ये एडिशनल प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द पैथोजन। इसके अलावा डर्मिस के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना सिक्रीट होता है, स्वेट सिक्रीट होता है। सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑयल ग्लैंड है हमारी स्किन, आप देख पा रहे होंगे ऑयली सी होती है, सो ऑयल की सिक्रीशन भी होती है। और इसके अलावा डर्मिस के अंदर हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ें भी प्रेजेंट होती हैं।
सो स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि स्वेट सिक्रीट करता है, एक तो ये थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है, उसका हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे। सो स्वेट के अंदर लाइसोजाइम इंजाइम प्रेजेंट होता है, इसके अलावा स्वेट जो है वो साल्टी होता है। सो पैथोजेन लाइक बैक्टीरिया वगैरह सेलाइन एनवायरमेंट को पसंद नहीं करते, सो पैथोजेन सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके अलावा स्वेट के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, सेल वॉल को ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना सेल वॉल की। सो बैक्टीरिया की सेल वॉल जब ब्रेक होती है तो बैक्टीरिया भी किल मर जाते हैं। सो ये फंक्शन है स्वेट ग्लैंड का। फिर सेबेशियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करता है, जो कि ऑयल होता है स्पेसिफिक टाइप का, और ये सेबेशियस ग्लैंड की जो सिक्रीशन है ये हेयर फॉलिकल के रास्ते से होती है, यानी ये हमारे जो स्किन में जो बाल हैं वहाँ से ये ऑयल निकलता है, यानी हेयर फॉलिकल के साथ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि हेयर फॉलिकल के वाले रास्ते से ऑयल सिक्रीट कर रहा होता है। सो यहाँ से ऑयल सिक्रीट होता है, और ऑयल की सिक्रीशन से क्या होता है, हमारी जो स्किन की सरफेस है वो मतलब खुश्क नहीं होती, और ये खुश्क जब नहीं होगी, बिल्कुल ड्राई नहीं होती, ठीक है, जब आप सर्दियों में देखें स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है तो वो ज़ख्म सा बन जाता है, सो पैथोजेनिक ड्रॉप आते हैं। सो ऑयल का काम क्या है, इसे मज़ीद स्ट्रेंथ देना है, ये जो सेल्स हैं इन्हें मज़ीद स्ट्रेंथ देना। इसके अलावा ये एसिडिक फैटी एसिड होते हैं, यहाँ पर फैटी टिश्यू फैटी एसिड भी साथ में सिक्रीट होते हैं, सो एक एसिडिक एनवायरनमेंट भी बनती है जो कि पैथोजेंस के लिए हार्मफुल होती है, सर्वाइवल उनका मुश्किल होता है। सो यहाँ पर ये आ गया हेयर फॉलिकल, ये आ गया स्वेट ग्लैंड, ये आ गया सेबेशियस ग्लैंड, या ऑयल ग्लैंड भी आप इसे कह सकते हैं। लास्ट लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं, और यहाँ पर ही ब्लड वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं। सो ये सबसे नीचे है ताकि इसे प्रोटेक्शन मिल सके यहाँ पर, और यहाँ पर साथ में नर्व्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं डर्मिस वाले रीजन के अंदर, ताकि हम सेंसेशन कर सकें किसी भी चीज़ की। ओके, ये तो फर्स्ट फिजिकल बैरियर हमने देख लिया, फिजिकल और स्किन की, जो स्किन के अंदर ये स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, ये केमिकल बैरियर आ गए, और ये एपिडर्मस जो है ये फिजिकल बैरियर आ गया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड टाइप के जो फिजिकल बैरियर हैं उन्हें देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। स्किन के अलावा कुछ हमारी बॉडी के अंदर ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, जैसे माउथ, नोज़, ईयर, आँखें, आइज़, इसके अलावा यूरिनो जेनिटल ओपनिंग हो गई। ये जितनी भी ओपनिंग हैं इनसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई या पैथोजेन हम कह सकते हैं, वो इंटर हो पाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि स्किन से तो नहीं हो इंटर हो पाते, लेकिन इन ओपनिंग से इंटर हो पाते हैं। सो इन ओपनिंग्स के अंदर इनकी जो लाइनिंग है, ये जो ओपनिंग है इनकी, जो लाइनिंग वाले जो सेल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, या म्यूकस सिक्रीशन प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस है कि जेली टाइप मटेरियल होता है, थिक जेली टाइप मटेरियल, जो कि क्या करता है, ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल और पैथोजन को, पकड़ लेता है, और फिर इसे हम खांसी के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, या स्वेलो किया जाता है स्टोमिक के अंदर, फिर स्टोमिक के एसिड किल कर देते हैं, या फिर इंटेस्टाइन में ये पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट के ज़रिए स्टूल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है ये म्यूकस जो मटेरियल है। सो इसके साथ पैथोजेन भी सिक्रीट होते रहते हैं। सो लाइनिंग ऑफ द नोज, माउथ, लंग्स, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं, ये लाइनिंग का सेल है जिसे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल आप कह सकते हैं, ठीक है। सपोज ये नोज़, माउथ, लंग्स, किसी भी जो लाइनिंग है, जो अंदर वाली लाइनिंग है, उसमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स की खसूसियत ये होती है कि ये सपोज आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ से क्या है, सिक्रीटरी वेजिकल निकलते हैं, ये गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें मिलकर सिक्रीटरी वेजिकल्स बनाते हैं। सिक्रीटरी वेजिकल्स के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकस जो है ये जिलेटिनस मटीरियल है, ये सेल से बाहर इस तरीके से निकल कर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस होती रहती है। सो हमारे सेल्स के बाहर एक लेयर सी बन जाती है म्यूकस की, जो कि एक सरफेस बैरियर या फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द पैथोजन, और यहाँ पर पैथोजन आकर अटैच होते हैं और फिर खांसी के जरिए बाहर निकल जाते हैं या फिर स्वॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सरफेस बैरियर है। इसके अलावा अगर हम रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें, यानी जो फेफड़े वगैरह हैं वहाँ पर जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पर साथ साथ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में, और सिलिया का काम क्या होता है कि ये जो म्यूकस है इसको प्रोपेल करते रहना,
ठीक है, क्योंकि ईसोफेगस से तो हम स्वेलो कर सकते हैं या खांसी के ज़रिए बाहर निकाल सकते हैं, जबकि जो रेस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनके जो बाउंड्री है वहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सो ये क्या है, सिलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि प्रोपेल करती हैं, इस तरीके से मूव करती रहती हैं, और इनका काम क्या होता है, इस म्यूकस को आगे भेजते रहना है, एक डायरेक्शन में ये प्रोपेल करती हैं सिलिया। सो ये आगे भेजती रहती हैं, क्या होता है, ये जो म्यूकस होता है ये करते करते हमारे ट्रेकिया में आ जाता है, ट्रेकिया से फिर क्या होता है, हम इसे खांसी के ज़रिए बाहर निकाल सकते हैं या स्वेलो कर सकते हैं। ठीक है, सो जो रेस्पायरेटरी ट्रैक की लाइनिंग है वहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जितनी माउथ होगी, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, वहाँ पर ये विदाउट सिलिया ये लाइनिंग वाले सेल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो इसे खांसी या स्वेलो किया जा सकता है, या पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट के जरिए डाइजेस्टिव ट्रैक से स्टूल के जरिए ये म्यूकस बाहर निकल सकते हैं। सो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ डस्ट पार्टिकल और पैथोजेंस ट्रैप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये रिस्पेक्टिवली इसे एक्सक्रीट किया जा सकता है। ओके, थर्ड जो टाइप है उसे हम देखते हैं, ईयर एंड आइज, आंख, आंखों से भी पैथोजन एंटर हो सकते हैं। सो आंखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आई लिड होती है, या हमारी आंखों के नीचे एक झिल्ली सी होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि डस्ट पार्टिकल पैथोजन एंटर ना हो पाएँ, और साथ साथ आंखों के अंदर टीयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि किल करता है बैक्टीरिया वगैरह के सेल वॉल को, और बैक्टीरिया फिर किल हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा जो वाटर है, ईयर्स जो हैं, सॉरी टीयर्स जो हैं, वो नाक के रास्ते फिर जहाँ पीछे से माउथ में भी गिरते हैं, सो उसे स्वेलो भी किया जा सकता है। ईयर्स के अंदर वैक्स प्रेजेंट होती है जो कि ट्रैप करती है पैथोजन और डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, डस्ट पार्टिकल्स को। और यूरिनरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो यूरिन फ्लो होता है, यूरिन क्या है, वन डायरेक्शनल फ्लो है, सो यूरिन के साथ पैथोजेंस वगैरह जितने भी हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और यूरिन डेफिनेटली सेलाइन एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर सिलाइवा होता है, सिलाइवा के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम वगैरह होते हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं। इसके अलावा मतलब कंटिन्यूसली सिलाइवा मुंह में बन रहा होता है और स्वालो किया जाता है, सो बैक्टीरिया वगैरह को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वहाँ पर मल्टीप्लाई करने का। स्टोमिक एसिड की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर स्टोमिक एसिड है जो कि बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पर मोस्ट पैथोजेन सर्वाइव नहीं कर पाते, किल हो जाते हैं। पेरिस्टाइलिसिस एंड वॉमिटिंग, पेरिस्टाइलिसिस जो हमारे स्टूल्स पास होते हैं, जो पखाना हम करते हैं, वो पेरिस्टाइलिसिस के ज़रिए मूवमेंट के ज़रिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया था, ये स्टूल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, सो वहाँ से भी पैथोजेंस वगैरह आउट हो जाते हैं बॉडी से बाहर। एंड वॉमिटिंग, और बाज़ औक़ात आपके मैदे के अंदर ऐसे बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन एंटर हो चुके हैं, तो वॉमिटिंग के ज़रिए बाहर निकालना ये भी एक लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है। एंड देन वी हैव गुड बैक्टीरिया, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए खुराक, हमें विटामिन प्रिपेयर करके देते हैं, और उसके बदले में हमारी बॉडी उन्हें प्रोटेक्शन करती है। सो ये गुड बैक्टीरिया वेजाइना वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। गुड बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को जगह नहीं प्रोवाइड करते। सो एक कॉलोनी है, सपोज उसमें 10 घर हैं, तो बाहर से एक बंदा आया है, उसे घर चाहिए, तो रहने के लिए घर चाहिए, और वो 10 घर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, फुल हैं, तो डेफिनेटली उसको वो घर वहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। सो यही फिनामिना है यहाँ पर, गुड बैक्टीरिया ने सारी जगह घेरी होती हैं, सो जो हार्मफुल बैक्टीरिया, उन्हें फूड नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलती, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सो गुड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किल नहीं करता, इसके ऊपर भी एक लॉन्ग डिबेट है क्यों नहीं करता, ये इस पर अभी तक काफ़ी स्टडीज हो रही हैं कि क्यों इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, सो इस पर फिर कभी बात करेंगे।